हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंदरंग क्रिएशन। सो आज हम एक किंगफिशर का एम्ब्रॉयडरी करने जा रहे हैं। वो डिज़ाइन हम कुर्ती के ऑल ओवर या ऐसे ही शोल्डर के उधर दो ऐसे ओपोसिट ओपोसिट दिखने की तरह दो और मोटिफ ऐसे बना सकता है, नहीं तो साड़ी के बॉर्डर में भी ये डिज़ाइन बना सकता है। सो हम वीडियो पे चलते हैं। देखो मैं किंगफिशर का डिज़ाइन कैसे ड्रॉ कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे प्रेशर दे के ऐसे ही ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके फिर ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकता है ये डिज़ाइन, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। देखो ऐसा हमने फिनिश कर दिया है। इसमें हमें ऐसा ये वाला एंगल का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, ब्लू कलर का है। नंबर तो मुझे 114 ही दिख रहा है, थोड़ा सा फेड है नंबर। अब कोई भी ब्लू कलर थ्रेड यूज़ कर सकता है। इसके लिए मैं 4 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा थिक ज़्यादा चाहिए। आप सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही है तो 16 या उसके ऊपर का स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ करना। अभी इसका पंख है ना, मैं वो स्टार्टिंग उसमें पहले एम्ब्रॉयडरी करने जा रही हूँ। तो देखो ऐसे ऊपर लेकर आ गया नीडल को, फिर देखो ऐसे ट्विस्ट करना है। एक्चुअली मैं इसमें रिंग नोट करने जा रही हूँ, तो ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे कहाँ से लेकर ऊपर लेकर आया था उधर ही नीचे लेकर जा रही हूँ। ज़्यादा खींचो मत, मतलब थोड़ा रिंग जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो वो फ्रेंच नट हो जाएगा। मतलब अच्छे से खींचेंगे तो वो फ्रेंच नोट बोलते हैं। थोड़ा लूज में वो रिंग जैसा दिखने की तरह करते हैं तो वो रिंग नोट होता है। एक्चुअली ज़्यादा रिंग नोट की तरह मैंने नहीं बनाई, थोड़ा देखो ऐसे थोड़ा ऐसे छोड़ के ऐसे नीचे लेके फिंगर को है ना, हमारे फिंगर को ऐसे रखो। हमेशा मेरा वो फिंगर कैप डालने से वो फिंगर से ऊपर आते हैं तो उसमें फोकस जाते हैं ना, इसलिए मैं आज वो फिंगर कैप छोड़ के बना रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है, मतलब फोल्ड नहीं हो रहा है मेरा वो फिंगर, फ्रैक्चर हुआ है ना इसलिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ही देखो वो पंख पूरा है ना, हम रिंग नोट से फिनिश कर दे। ज़्यादा खींचो मत, मतलब खींचेगा तो वो फ्रेंच नोट हो जाएगा। फ्रेंच नोट तो अच्छा ही है, लेकिन ज़्यादा वो उसका फेदर की वो फेदर्स अच्छे से दिखने उसकी जैसा लगना है तो थोड़ा रिंग नोट की तरह ही करो, ज़्यादा बड़ा सा रिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही वो पूरा विंग्स किंगफिशर का विंग्स है वो हम ऐसा फिनिश कर रहे हैं। उसका बॉडी सेक्शन वो भी हम ऐसे रिंग नोट से ही फिनिश कर रहे हैं। देखो ऐसे ऊपर से नीचे की तरह मैं वो करके पूरा ऐसे फिल करूंगी यही सेम स्टिच से, तो हमारा बॉडी सेक्शन भी फिनिश हो गया है। देखो क्यूट लग रहा है ना, वो ऐसा ही एक डिफरेंट लग रहा है ना, तो यही है ये स्टिच का यूज़, बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड वो सेम कलर ले रही हूँ मैं, फिर 2 बार ऐसे टर्न करके ट्विस्ट करके मैं इस बार फ्रेंच नोट करने जा रही हूँ। सॉरी वो फिंगर कैप डाल दिया तो फिर से वो ऊपर आ रहा है, निकाल रही हूँ मैं वो। एक्चुअली वो एक और महीना मुझे वो डालना पड़ेगा। तो देखो अभी हेड है वो किंगफिशर का हेड है ना, वो भी हम ऐसा ही फ्रेंच नोट से कर रही हैं, 2 बार ट्रेन करके, वो भी 2 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज करके कर रही हैं। मतलब हेड है थोड़ा छिपा हुआ चाहिए मुझे, थोड़ा मतलब बॉडी सेक्शन की तरह थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट करने की तरह नहीं, थोड़ा सा फिल करने की तरह चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी साटिन स्टिच से फिल करूँगी, लेकिन फेदर्स है ना थोड़ा ऐसे स्केल्स जैसा दिखना चाहिए, तो साटिन स्टिच से ज़्यादा तो एक ही स्टिच मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा ही छोटा छोटा फ्रेंच नोट करके वो पूरा हेड है वो फिनिश कर रही हूँ, आँख को छोड़ के। देखो ऐसा ही वो ने मैंने फिनिश कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट ब्लू कलर ले रहे हैं, उसका नंबर है 0133। थोड़ा डार्क कलर है, मतलब पुराना पहले वाला ब्लू कलर से ज़्यादा थोड़ा थिक डार्क कलर है। उसमें भी मैं 4 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। अभी देखो इसका पंख का वो फेदर्स है ना, वे ऐसे ज़्यादा लेंथ में दिखता है वो वाला। अभी हम लॉन्ग फ्रेंच नोट से करेंगे, 4 स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड है, एक ही बार टर्न करके, सॉरी 2 बार टर्न करने की कोशिश किया था, 2 बार टर्न करो, एक बार करेंगे तो वो अच्छे से नहीं दिख गया था, इसलिए मैं 2 बार स्टैंड कर रही हूँ। तो ऐसे करके थ्रेड के एक एंड को अच्छे से पकड़ के देखो ऐसा ही करो,
तो ऐसे लॉन्ग फ्रेंच नोट करके वो सारा वो लाइंस है, वो विंग्स का वो एंड है ना, वो ऐसा ही फिनिश कर रही हूँ। सॉरी पक्षी बीच में आके वो खींच रहा है। देखो ऐसे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, मतलब किंग फिशर को एक ही कलर चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आप मैरून कलर में भी ब्लू और मैरून ब्लू और ऑरेंज ऐसे मिक्स करके भी बना सकता है, नहीं तो पूरा गोल्डन कलर से भी बना सकता है। एम्ब्रॉयडरी है ऐसा पक्का जो जैसे जिस कलर में वो दिखता है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ऊपर है हम कौन से कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, कौन से कलर में हमें चाहिए, तो ऐसा ही भी कर सकता है। तो ऐसा ही हम पूरा इसका विंग्स है ना, अभी विंग्स तो दो स्टाइल में मैंने ड्रॉ किया है, मतलब दो विंग्स ऐसे दिख रहा है, तो एक वाला विंग्स डिफरेंशिएट करने के लिए वो देखो ऐसे करके फिर नेक्स्ट विंग्स में सेकंड बार ऐसे कर रही हूँ। एंडिंग में है ना एक बार टर्न करने की ज़रूरत है, एक बार राउंड करो। अभी उसका नीचे की और भी ऐसा ही मैं वो सेम लॉन्ग फ्रेंच नोट से फिनिश कर रही हूँ, तो ऐसे मैंने फिनिश कर दिया है। अभी इसका देखो ऐसा ही उसका इधर भी देखो ऐसे दो बार फोर स्टैंड ऑफ थ्रेड से ही कर रही हूँ, दो बार पहले वो डार्क ब्लू कलर से वो फिनिश कर रही हूँ। ओके अभी हम दूसरा कलर थ्रेड यूज़ करते हैं, मैं इसमें अभी बेज कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, लाइट गोल्डन कलर भी बोल सकता है। इसका नंबर है देखो 368 है, तो ये मैं उसके पीक क्या बोलते हैं वो बीक के उधर भी फोर स्टैंड ऑफ थ्रेड ही यूज़ कर रही हूँ, तो दो लाइन उधर भी कर रही हूँ। अभी हम उसका आंख में भी यही कलर यूज़ करते हैं, आंख तो ऐसा ही चौड़ा है ना उसका आइस, तो ऐसा ही एक फ्रेंच नोट करके उधर ऐसे करें, एक बार ट्विस्ट करके एक फ्रेंच नोट दे रही हो। आप चाहिए तो उसका बॉर्डर भी ऐसे एक बैक स्टिच या कुछ स्टिच करके वो कर सकता है, मैंने तो वो छोड़ दिया है। अभी उसको देखो गले के उधर भी मैं ऐसा ही इससे रिंग नोट दे रही हूँ, वो फिल रिंग नोट से फिल करने जा रही हूँ, मतलब ज़्यादा मत खींच के ऐसे करके वो रिंग नोट जैसे करके वो पूरा उसका जगह है बाकी उसमें गैप है वो फिल कर रही हूँ। तो इतना ही करके हमारा वो किंग फिशर का एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है वो पूरा फिनिश हो गया है। देखो फिनिश होने के बाद बहुत बहुत क्यूट लगता है, आप करके देखो, बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी प्लेन कुर्ती के गले के साइड में दो ऐसे अपने दोनों फेस करने की तरह ऐसे एक के नीचे एक करके ऐसे बना के देखो, बहुत बहुत मस्त लगेगा। तो यही है आज का वीडियो, मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।